एक आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कैलकुलस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम उससे पहले वेक्टर और बाइनोमियल थ्योरम एलजेब्रा का एक टॉपिक लिया, एक वेक्टर एलजेब्रा ले लिया, अब हम लोग कैलकुलस का एक टॉपिक ले रहे हैं लिमिट्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स का बेसिकली क्या मतलब है और लिमिट्स अप्लाई क्यों करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसका बेसिक फाउंडेशन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद डे बाय डे और वन टू वन लेक्चर्स हमने आप ऑलरेडी अगर देखें हमारे वीडियोस तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया, एक टॉपिक को पार्ट वाइज में एक एक कॉन्सेप्ट करके हमने सेवन कॉन्सेप्ट 9 कॉन्सेप्ट ऐसे डाले हैं, तो ऐसे लिमिट्स के साथ भी करने वाले हैं। आप उसको अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे रेगुलर तो आप लास्ट तक अच्छे से लिमिट को समझने वाले भी हैं और उसके साथ साथ आगे आप परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो एक यहाँ पर दो हमने स्टेटमेंट दिए हैं, बेसिकली ये दो स्टेटमेंट का क्या रोल है यहाँ पे, बस अभी आपको समझने आने वाला है। पहला है कि शिवम एंड कार्तिक इज गोइंग टू NIT त्रिची, ठीक है, और दूसरा है शिवम एंड कार्तिक इज इन NIT त्रिची। इन दो स्टेटमेंट से क्या क्लियर हुआ वो भी पता चलेगा। अगर ऐसा कोई है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क है। अगर वो जा रहे हैं इसका मतलब वो वहाँ पहुँचे नहीं है, वो एग्जैक्टली वहाँ पर है नहीं, ये अगर हैं तो वहाँ पर एग्जैक्टली हैं। तो ये दो यहाँ पर अलग अलग एक फंक्शन लिया गया, उस फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालेंगे, वो निकालनी है हमें, और यहाँ पर लिमिट लगाई है x टेंड्स टू 2 पर। इन दोनों स्टेटमेंट का क्या अंतर है, ये दोनों स्टेटमेंट जब अंतर समझ पाएंगे तब लिमिट का रोल समझ पाएंगे, लिमिट क्यों अप्लाई की जाती है। यहाँ पर अगर f ऑफ 2, अगर हम बेसिकली f ऑफ 2 निकालें तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 दैट इज 0 अपॉन 0, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि ये दो स्टेटमेंट इन दो स्टेटमेंट की ही तरह हैं, यहाँ पर जैसे बोला गया कि NIT त्रिची में हैं, इसका मतलब जैसे एग्जैक्टली 2 पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वो जा रहे हैं, इसका मतलब अभी क्या है लिमिट 2 होने वाली है, 2 नहीं है, और जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, लिमिट अगर लगी है इसका मतलब अभी वो वैल्यू नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी 2 नहीं हुआ है, तो जो भी होगा वो बराबर होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो जब भी आप लिमिट अप्लाई किया गया, जैसे लिमिट लिखा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू b, तो बेसिकली इसका मतलब ही है कि यहाँ पर 0 भी नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पर a नहीं है, ये x अभी b नहीं है, और यहाँ पर अभी इनफाइनाइट भी नहीं हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट होने वाला है, 0 अभी हुआ नहीं है, 0 होने वाला, 5 नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी लिमिट अप्लाई किया तो ये मान चलेंगे कि वहाँ पर अभी वो वैल्यू हुई नहीं है। और लिमिट बेसिकली अप्लाई क्यों करते हैं, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म, हम साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में जानेंगे। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि लिमिट अप्लाई क्यों करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप इनडिटरमिनेट फॉर्म को पहचान पाएँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती हैं और कितनी होती हैं। यहाँ पर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पर लिखी हैं, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 7 फॉर्म्स जो इनडिटरमिनेट फॉर्म मानी गई हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस मतलब अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर इन फॉर्म में चली जाती है तो वो मीनिंगलेस होगी, उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसी इन सारी फॉर्म्स को इवेल्युएट, इनके आसपास की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई 4 साइन x, तो अगर x, हमने अभी बताया था कि x पे लिमिट अगर लगी है वो पाई बाई 4 होने वाला है, पाई बाई 4 हुआ नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम पाई बाई 4 रखे देखें तो हमें साइन पाई बाई 4 मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन रूट 2,
यहां पर कोई भी इन सारे फॉर्म में किसी भी फॉर्म में नहीं गया, तो यहां पर लिमिट 1/√2 इवेल्यूएट हुई। अगर फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया होता और एट एक्स इक्वल्स टू पाई आई फोर में वैल्यू निकालनी होती, तो यहाँ पे एफ ऑफ पाई आई फोर 1/√2 होता। बेसिकली इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अब यहाँ पर लिमिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर भी कितना आया, 2/2 दैट इज 1 आ गया। यहाँ पर कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, जैसे इन सारी ऐसी अगर फॉर्म बनती हैं तो जैसे हम लोग फंक्शन पर किसी एक्स की वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं, नॉर्मली वही क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने रखा है यहाँ पे 2 रखा है तो 4 - 4, 4 - 4, 2 - 2, दैट इज 0/0। पहली फॉर्म जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म है 0/0, उस फॉर्म में ये फंक्शन चला गया है लिमिट जब एक्स 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर इवेल्यूएट जब करेंगे तो लिमिट का इम्पोर्टेंस आएगा। 0/0 फॉर्म को इवेल्यूएट करने का जो मेथड होगा वो मेथड हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे देखें, जब आप 0 अप्लाई करेंगे 0/0, ये भी 0/0 फॉर्म में है। तो बेसिकली जब भी आप लिमिट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इन में से किसी ना किसी फॉर्म में वो फंक्शन होगा, 7 में से किसी ना किसी फॉर्म में होगा। तो आपको ये बेहद ज़रूरी जानना है कि 7 फॉर्म्स को आप एक बार लर्न कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इनके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं है। जैसे कि इन्फिनिटी को हमने कंसीडर नहीं किया, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी बेसिकली इन्फिनिटी में काउंट होता है। इन्फिनिटी को भी हमने काउंट नहीं किया, इन्फिनिटी को भी काउंट नहीं किया, 0/∞ को भी काउंट नहीं किया। ठीक है, ऐसे किसी भी फॉर्म को हमने काउंट नहीं किया है, 1/0 को भी काउंट नहीं किया, 1/∞ को भी काउंट नहीं किया। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आपको जान लेना जरूरी है कि ये 7 फॉर्म ही क्या है, मीनिंग लेस है। ठीक है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। यही इन्हीं फॉर्म में से जब जाएगा फंक्शन तभी हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं और उसके प्रॉपर मेथड है वो मेथड हम लोग सीखेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, तो हम लोग ये देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट दो बातें हैं यहाँ पे। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो जब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये बात ध्यान देनी जरूरी है यहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगर क्वेश्चन आता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, तो यहाँ पर हम लोग LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट में हम लोग ये पहले से मान के चलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखें कि इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे मैथड से लिमिट की वैल्यू इवेल्यूएट करेंगे। इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आप कॉपी पे कुछ भी रिप्रेजेंट करके आए हैं बट अभी आपको मार्क्स नहीं पता लगे, जब टीचर उस कॉपी को चेक करेगा दैट इज द इवेल्यूएशन प्रोसेस, तब जाके आपके मार्क्स पता चलेंगे। ऐसे आप क्या एग्जाम दे के आए, अभी आपकी रैंक नहीं आई, तो रैंक क्या होगी इवेल्यूएशन के बाद ही आएगी। तो वो काम ऑलरेडी हो चुका है बट वो कितना है उसको मेजर करना क्या है, इवेल्यूएशन। तो हम देखेंगे 0/0 फॉर्म, तो सबसे पहली इंडिटरमिनेट फॉर्म दैट इज 0/0, उसके इवेल्यूएशन के लिए मेथड हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज फर्स्ट मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड एंड एल हॉस्पिटल दैट इज डीएल हॉस्पिटल रूल। इन तीनों से किसी ना किसी से अगर 0/0 फॉर्म है तो 100% क्वेश्चन लगने वाला है। बट आपको यह प्रैक्टिस करनी होगी, पहले से आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पे कौन सा मेथड लगाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पे कौन सा मेथड लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ मेथड 3 है, तीनों मेथड को आप एक जगह अप्लाई नहीं कर सकते, उनका एक प्रॉपर यूज़ है। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा। जैसा कि पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो भी हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक्सपर्टाइजेशन या एक्सपर्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए बात कर रहे हैं। जो भी बात हो रही है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक को, शुरुआत के दौर में सीख रहे हैं,
तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल पे जाएंगे, फिर धीमे 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 आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अभी जो भी हमारे सेशन है सारे बिगनर्स की, आप जैसे कि शुरुआत में टॉपिक की शुरुआत करते हैं उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि यहाँ पे देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। सबसे पहले हमने बोला एक आदत डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट हम लोग करते नहीं हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू है, अभी हमने बोला कि लिमिट लगी है तो एक्स दो के बराबर नहीं, बट लिमिट लगी है तो दो होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दो टू रख के देखिए, रखेंगे तो फोर माइनस सिक्स प्लस टू अपॉन टू माइनस टू, तो सिक्स माइनस सिक्स अपॉन टू माइनस टू दैट इज जीरो अपॉन जीरो, दैट इज ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। ओके, यानी लिमिट अगर दो है तो ये उस लिमिट पर क्या होगा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जीरो अपॉन जीरो फॉर्म क्या है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं। उससे पहले ही हम क्या करें, मीनिंगलेस बनने से पहले क्या करें, उसको इवैल्यूएट करें, देखें कि उसके आसपास क्या था। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इजिली फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर करना आप क्वाड्रेटिक के जानते ही हैं, आप एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस टू के फैक्टर इजिली कर सकते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। ईजली आपने क्या किया, हमने यहाँ पे फैक्टर अभी इसलिए एक्सप्लेन नहीं करें, जब हम क्यूबिक या उससे हायर डिग्री की कोई भी यहाँ पर पॉलीनोमियल लाएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि इसके फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं, बट क्वाड्रेटिक वेल नोन है, आप आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। अब हमने बोला कि एक्स लिमिट लगी है तो एक्स दो के बराबर नहीं है, टू के बराबर नहीं है, टू के आसपास है, तो आप कुछ भी रखो, सपोज आपने थ्री रखा तो थ्री माइनस टू दैट इज वन और थ्री माइनस टू वन, तो ये और ये बराबर होगा। अगर आपने 2.5 रखा तो 2.5 माइनस टू 0.5 और यहाँ भी 0.5, तो ये लिमिट लगी है उससे पहले क्या होगा, बराबर होगा, कट गया, कटा इसलिए कि लिमिट अभी लगी है। लिमिट अगर नहीं लगी होती x बराबर दो पर ये कटता नहीं, 0.0 फॉर्म बन जाता। अब क्या हुआ, लिमिट x चेंज टू x माइनस वन, आप देखें लिमिट अप्लाई करें 2 माइनस वन, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं, मतलब यहाँ पर 0.0 फॉर्म में था, यहाँ पर 0.0 फॉर्म में था, अब देखिए यहाँ पे 0.0 फॉर्म में है या नहीं है। जैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म हटी लिमिट इवेल्युएट हो जाएगी, 2 माइनस वन दैट इज वन आंसर आ गया, और जैसे ही इवेल्युएट होगी ये लिमिट हम नहीं लिखेंगे, तो इवेल्युएट हो चुकी है। अभी हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे बाद में, पहले आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पहला भी फैक्टराइजेशन बताया कि कैसे करते हैं, अब देखते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, जहाँ पर जैसे स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो, जहाँ पे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तब आप क्या करेंगे, ऐसी जगह पर रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है वो जान लें, इसी को आप इसी टर्म को आप लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर है वन, यहाँ पर भी लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन, अगर यहाँ माइनस है तो इसके अपोजिट साइन प्लस से, अगर यहाँ प्लस है तो इसके अपोजिट साइन माइनस से, तो अभी माइनस है तो के बीच में क्या रख देंगे प्लस, सेम यही वाला टर्म यहाँ पे आना वाला, बस अपोजिट साइन रखेंगे, तो आप देख लेंगे कि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, हमारा फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला तो एलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करें, ऊपर फार्मूला लगाने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा माइनस वन, मतलब ये ए माइनस बी है ये ए प्लस बी है दोनों कम्बाइन होकर ये लिखा आ गया। नीचे वाले अभी भी ऐसे हैं, एक्स और रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब देखें हमारा क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऊपर बचा एक्स, नीचे रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, हमने बोला फिर से आप लिमिट अप्लाई करिए, अप्लाई करेंगे ऊपर आएगा जीरो, नीचे आएगा जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन, वन और वन का रूट वन, वन प्लस वन टू, तो जीरो पॉइंट टू, भाई जीरो पॉइंट टू क्या होता है जीरो, हमारा लिमिट इवेल्युएट हो गया, ठीक है। रैशनलाइजेशन मेथड से किया था हमने, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि
तीन मेथड है, उनमें से लास्ट वाला मेथड है डीएल हॉस्पिटल रूल, मगर मैंने बोला कि ये बहुत एक काम आपको अप्लाई करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी को आप मेन मेथड बना लेते हैं और हमेशा ये अप्लाई करते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता है, आंसर्स निकालता, कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको एज ए ट्रिक, एज ए मेन मेथड ना माने, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा देंगे बाद में एग्जाम में कि आप ये मेथड फिर नहीं लगेगा। लिमिट एक्सटेंड टू, तो आप चेक करते हैं टू की पावर, अगर एक्स की जगह टू रखें, हमने बोला ये कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो जो लिमिट जिस पे लगी है पहले वो आप पुट करके रखिए, तो टू की पावर टेन माइनस टू की पावर टेन, तो जीरो अपॉन जीरो आ गया, तो जीरो अपॉन जीरो आ गया। अब आप फैक्टराइजेशन और अगर रैशनलाइजेशन लगाएंगे, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा, इसके फैक्टर करना थोड़े टिपिकल हो जाएंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे नहीं हम लोग। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या करता है कि जब भी x टेंड्स टू a, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब रैशनल कहने का मतलब दो फंक्शंस का डिवाइड हो, जीरो अपॉन जीरो, मतलब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स बराबर जीरो, लिमिट लगाने पर ये जीरो को टेंड किया और ये भी जीरो को टेंड किया, दोनों फंक्शन जैसे यहाँ पर ये भी जीरो को टेंड किया, ये जीरो को टेंड किया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मैथड में ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन अलग और नीचे का डिफ्रेंसिएशन अलग। मैंने बोला कि डिफ्रेंसिएशन नहीं है, अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन क्या सिखाता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये सिखाता है कि जी एक्स का होल स्क्वायर और एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से होता है, मगर यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं डी एल हॉस्पिटल, x की पावर 10 का होगा, हमने बोला कि x पावर n का होगा n x पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर होगा 10 x पावर 10 माइनस वन, माइनस कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 2 का या कॉन्स्टेंट का 0, डी अपॉन डी एक्स सी कॉन्स्टेंट का 0, तो ऐसे 2 की पावर 10 का भी क्या होगा 0, x का डिफरेंस है 1 माइनस 0। आप देखिए आप जब अप्लाई किया, जब डी एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आप लिमिट अप्लाई करते हैं, जब भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंडिटर फॉर्म हट गया 2 की पावर 9, ये हमारा आंसर आ गया। बारी बारी से हम लोगों ने तीनों मेथड देखे, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस पर ये अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग सहज हैं, अगर ये चीज़ हम लोग सीख गए तो हम लोग जीरो अपॉन जीरो को कम्प्लीट मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही आराम से, हमने बोला भी है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से जल्दी से करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही सबसे निगेटिव पॉइंट है, मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट का सबसे बुरा और नेगेटिव रवैया है। आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक मानक समय है, 1 ईयर है आपके पास, 1 ईयर है, क्योंकि अब इससे पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 1 ईयर देखा जाए तो अगर आप इसी भी स्पीड से, जिस स्पीड से हम लोग कर रहे हैं, अगर देखें तो हम लोग कम से कम 3 बार सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो आपको बहुत ही तेज़ नहीं जाना है, जो भी आपको दिया जा रहा है, अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पहले से कवर करके रखे हैं, अब लिमिट करेंगे तो 1 वीक में लिमिट भी कवर कर लेंगे, ऐसे करते करते 3 महीने में हम लोग बहुत सारे, मतलब लगभग सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट में सबसे पहला इंट्रोडक्शन फॉर्म 0.0 को कम्प्लीट किया। आप क्या करें, इनके फाउंडेशन, इनके बिल्डिंग ब्लॉक से यहाँ पर समझकर आप उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, किसी आप बेसिक जो बुक्स आए उसे कंप्लीट जरूर कर लें। हमने बोला भी है कि हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन 1-2-4 स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और उनमें से बहुत ही कम सिलेक्टिव होते हैं जो वाकई में वेट कर रहे हैं हमारा, वो रोज़ वेट करते रहते हैं, हम उनको ही टारगेट कर रहे हैं, ना ही हम किसी से कॉन्सेंट्रेट हैं यहाँ पर, उन्हीं के लिए मुझे लग रहा है कि वो वाकई में समझ रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने बारी बारी से यहाँ दिए हैं, 9 क्वेश्चंस दिए हैं आपके सामने हैं बोर्ड पे, आप इनमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मेथड किस पे लगेगा और उनको समझकर आप लगाइए, बहुत ही बिगनिंग है, बेसिक्स है, कोई भी इसमें डाउट आए तो आपके लिए मैंने बोला कि एक सेक्शन है, कमेंट सेक्शन, आप उसमें दे सकते हैं। जब हम लोग कोई चीज़ प्रयास करते हैं तो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और अननेसेसरी कुछ और चीज़ डिमांड करते हैं, ऐसे कभी भी डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। हमने बोला कि ये चीज़ शुरुआत तभी हुई जब लोगों ने कहा कि कुछ हमें सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन यही है कि प्रॉपर पेशेंस के साथ कुछ किया जाए, ये नहीं कि आपको आप फर्जी में आप एकदम से चाहते हैं कि कुछ हमें ऐसा दे दें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है, भूल जाइए।
आप फिर इसको मत देखिए, इसके लिए कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो जो बाकी पढ़ रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा, लगभग 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट हम मुश्किल से जब हार्डली रेगुलर चलेंगे तब जाके 3 एंड 3.5 में जाके हम 70-80% सिलेबस को कवर कर पाएंगे, उन टॉपिक्स को दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट डे पे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, आगे होप सो अच्छा करेंगे आगे, ठीक।